मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जैन, आपका अपना फ़ोटो वाले जैन साहब। तो झारखंड से निकल के हम लोग जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकले हैं, दार्जिलिंग के रास्ते में हैं और व्यू आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, फुल बादल, बादलों के बीच में हैं हम। और यहाँ नीचे साइड टी गार्डन है, चाय का बगान जो कहते हैं, उसके पूरे पेड़ लगे हुए हैं उधर साइड नीचे पूरा। और देखो बादलों के बीच में पूरे हर साइड पूरे बादल बादल बादल, खम्बा लगा हुआ है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, बीच में पेड़ नज़र नहीं आ रहा है, ये बादलों के बीच में सब कुछ कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्लियरली। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे एक होम स्टे टाइप घर है, ये पूरा गांव है लेकिन सब कुछ बादलों के बीच में घिरा हुआ है। और अभी तो सिर्फ हम लोग रास्ते में ही हैं, हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं और अच्छे अच्छे व्यू वेस्ट बंगाल दिखाएंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट, अपना इंडिया का नॉर्थ ईस्ट दिखाएंगे। दार्जिलिंग जाते समय जो ब्यूटी हमें देखने को मिल रही है, फॉगी फॉग 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 फॉग, टी गार्डन फॉग, ये पूरा साइड में टी गार्डन चल रहा है, देखो हाँ अलग ही फीलिंग यार, इनक्रेडिबल इंडिया चल रहा है। मतलब देख रहे हो आप, नॉर्थ ईस्ट में इतना खूबसूरत वातावरण और ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है, फुल फुल ऑक्सीजन मिल रही है और व्यूज बेहतरीन। पता है सुबह सुबह ना उधर सामने साइड उधर सामने साइड ना पूरी कंचनजंगा की पीक दिख रही थी, पूरी वाइट स्नो से ढकी हुई पूरी पीक, शॉट्स लिए हैं, ड्रोन शॉट्स सुबह सुबह लिए थे, रात को आ गए थे रात को भी शॉट्स लिए थे, सही सीन है। अभी भी हो सकता है शायद बादलों के बीच में पूरी पूरी वो पीक जो है कंचनजंगा की वो पूरी ढकी हुई है, सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास पूरे बादल क्लियर थे, यहाँ पे बादल नहीं थे, इसी साइड बादल थे, बस इस साइड बादल नहीं थे तो इस साइड पूरी पीक दिख रही थी, तो शॉट ले लिया था हमने। चलते हैं आपको दार्जिलिंग घुमाते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन में, आप पीछे देख सकते हैं आई लव DHR लिखा हुआ है और ये है रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। और यहाँ से पूरा नज़ारा, चलिए अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं और ट्रेन में घूमेंगे। तो दोस्तों ये है दार्जिलिंग का स्टेशन जहाँ पे टॉय ट्रेन आती है, और अभी 20 मिनट बाद ही एक ट्रेन है जो टॉय ट्रेन यहाँ से चलेगी। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये खड़ी हुई है ट्रेन, सिटिंग है इसमें पूरी और इस टाइप से पूरी ट्रेन है, मतलब डब्बे हैं
और आगे इसमें इंजन जुड़ जाता है और फिर आगे ये पूरा दार्जिलिंग घुमाने जाती है। इंजन उधर सामने साइड में है, आपको दिख रहे हों, अभी मैंने आते हुए शॉर्ट्स भी बनाए थे तो दिख ही जाएंगे आपको। क्योंकि एक यहाँ पे डीजल वाली भी ट्रेन है प्लस एक स्टीम वाली भी ट्रेन है जो कोयले से चलती है, और बाकी ये पूरा दार्जिलिंग शहर जिसके बीच में ये स्टेशन बना हुआ है, पूरा ये स्टेशन, ये पटरियाँ बिल्कुल रोडों तक हैं, आराम से लोग चल रहे हैं, टहल रहे हैं, निकल रहे हैं। स्टेशन पे हम लोग आ चुके हैं, स्टेशन के दूसरी साइड स्टेशन घूम रहे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन आ जाए एक राउंड लें फिर आगे बढ़े। चलो यहाँ पे ऐसे पटरी पार कर सकते हैं, कोई डर ही नहीं ट्रेन का, आराम से ऐसे पटरी पार करके आगे आ जाओ। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हिमालयन जूलॉजी पार्क भी कहा जाता है। ये पूरा देखो, ये इसका मेन गेट है और यहाँ से फिर हमें अंदर जाना है टिकट लेने के बाद। तो यहाँ के ज़ू में हमको दिखा है रेड पांडा, ये ऊपर बैठा हुआ है, ये चुपके से दिख रहा हो आपको तो ये मेरी उंगली के सीध में, ये हम लोग आ चुके हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पे एक ये क्लाइंबिंग का एक स्टैचू है, यहाँ ऊपर साइड इनका म्यूज़ियम वगैरह है, कि ये प्यारी सी वॉल है, यहाँ पे जिप लाइनिंग और इंडोर वॉल क्लाइंबिंग वगैरह भी होता है, टिकट वगैरह सब बाहर से लेना है। ये इधर ऊपर साइड म्यूज़ियम है, तो चलते हैं म्यूज़ियम। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग की एक और फेमस जगह जिसको कहते हैं बतासिया लूप, और यहाँ पे ट्रेन पूरा सर्कल मार के फिर दार्जिलिंग में अंदर घुसती है। ये पीछे पूरा इसका व्यू है, ये नीचे पटरी और ये खड़ी हुई है ट्रेन, ये है।